नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ ऑनलाइन नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी मोबाइल, चिप कार्ड किया बरामद। अलीगढ़ पुलिस ने नौकरी के नाम पर लोगों से मोटा पैसा वसूलने वाले ठगी के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। जनपद अलीगढ़ के अंदर जहां बेरोजगार युवक युवतियों से नौकरी लगाने के नाम पर इंटरव्यू, प्रोसेस फीस आदि का झांसा देकर बेरोजगार युवक युवतियों से फर्जी वेबसाइट चलाकर लोगों से फर्जी बैंक खातों के अंदर रुपया ट्रांसफर कराया जाता था। लोगों के साथ हुई ठगी के बाद जब पैसा वसूलने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो लोगों ने ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस थाने के अंदर शिकायत दर्ज करनी शुरू कर दी। अलीगढ़ के थाना कोआरसी पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों लोग ऑनलाइन ठगी कर नौकरी दिलाने का गोरख धंधा करते थे। कोआरसी क्षेत्र की रहने वाली महिला गुरजीत कौर की शिकायत पर खुलासा किया गया। अलीगढ़ के थाना कोआरसी क्षेत्र की रहने वाली गुरजीत कौर नाम की महिला के साथ नौकरी के नाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उसके साथ फ्रॉड हुआ है। 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच यह फ्रॉड हुआ था, जिसके बाद गुरजीत कौर ने थाना कोआरसी के अंदर तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। महिला द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस ने जब इस पूरे मामले में विवेचना शुरू की तो उसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने फर्जी वेबसाइट चलाने वाले कॉल सेंटर पर छापा मारते हुए लोगों के साथ ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जहाँ इस संबंध में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें 2 हाथरस का और 1 हमीरपुर का रहने वाला है। यह लोग नोएडा में प्राइम सॉल्यूशन के नाम से कॉल सेंटर चलाते थे। नौकरी दिलाने वाली वेबसाइटों से बेरोजगार युवाओं का डाटा प्राप्त कर इन युवाओं को कॉल करके अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद अलग अलग तरीके से झांसा देकर इंटरव्यू, बैंक अकाउंट एवं अन्य कई कामों के नाम पैसा ठगा करते थे। पुलिस द्वारा पकड़े गए इन शातिरों से अकाउंट डिटेल और अन्य लोगों के साथ किए गए फ्रॉड की जानकारी की जा रही है। जिंदगी भर लोग पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के बाद दिन रात एक कर देते हैं, तब जाकर एक एक पाई जोड़कर कुछ रकम जमा होती है, जहां इसी रकम को लेकर ठगी का शिकार करने वाले लोग वर्षों की जोड़ी हुई रकम को अपने जाल में फंसाने के बाद लोगों को चूना लगाकर नौकरी के नाम पर झांसा देने के बाद ऑनलाइन ठगी का शिकार बना लेते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ ठगी करने वाले एक गिरोह का अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। जहां लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का खुलासा कर गिरफ्तार करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह जानकारी देते हुए बताते हैं कि विष्णुपुरी थाना कोआरसी क्षेत्र की रहने वाली गुरजीत कौर द्वारा थाने के अंदर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच महिला गुरजीत कौर ने अपने अकाउंट से रुपए ट्रांसफर किए थे, जहां गुरजीत कौर ने naukri.com के अंदर नौकरी के लिए रिज्यूम भेजा था, जिसके बाद naukri.com कंपनी के द्वारा महिला गुरजीत कौर के पास फोन करके रुपयों की डिमांड की गई, जिसमें महिला से अकाउंट लिंक करना, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रुपए वसूले गए, जिसमें करीब 23 लाख रुपया गुरजीत कौर से naukri.com के लोगों द्वारा अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए, जिसके बाद पैसा न मिलने पर महिला ने कोआरसी थाने के अंदर तहरीर देकर महिला द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा ठगी करने वाले 3 युवक, जिसमें अभिषेक चौहान, तेज प्रताप सिंह, रणवीर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 युवक हाथरस और 1 जनपद हमीरपुर का रहने वाला है। पकड़े गए 3 युवक बेरोजगार युवक युवतियों से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर वेबसाइट sign.com,
monster.com वेबसाइट के नाम से चलाते थे। उसी के आधार पर बेरोजगारी व्यक्तियों के जो रिज्यूम के आधार पर नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर लोगों से फ़ोन करने के बाद अकाउंट की डिटेल मांगी जाती थी, जिसके बाद प्रोसेस फीस के नाम पर फर्जी बैंक खातों के अंदर लोगों से रुपए डलवाए जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम कार्ड, 6 CPU, 6 डेस्कटॉप, 6 ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 4 आधार कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड, 5 हेडफोन, 1 वाईफाई डूगल, 1 राइटर, 1 राउटर, 4 UPS, 2 कॉपी और 1 डायरी पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से बरामद की है। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों का रिकॉर्ड भी तलाशा जा रहा है। पकड़े गए आरोपी फर्जी अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड पर दूसरे युवकों का फोटो लगाकर फर्जी आईडी बनाते हुए बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाए जाते थे। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। एक विष्णुपुरी थाना क्वारसी क्षेत्र की रहने वाली हैं गुरजीत कौर। इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में इनके अकाउंट से अलग अलग पैसे अमाउंट पैसे ट्रांसफ़र किए थे इन्होंने। इन्होंने एक वेबसाइट naukri.com करके उसमें जो है अपने रिज्यूमे भेजा था, जॉब के लिए अप्लाई किया। उसके बाद इनके पास कॉल आई और इनसे जो है कुछ पैसे वैसे मांगे गए। तो उसके बाद जो है इनसे कई बार पैसे मांगे गए इन द नेम ऑफ अकाउंट लिंक करना है, इंटरव्यू प्रोसेसिंग फीस वगैरह वगैरह। कितना अमाउंट मांगा गया सर इनसे? इन्होंने करीब 23,000 कुछ ट्रांसफ़र किए जो कि इन्होंने FIR में बताया। और जब इनसे और पैसे मांगे गए तो इनको डाउट हुआ, इन्होंने वो पैसे वापस करने के लिए कहा, तो पैसे वापस नहीं आया। इस संबंध में जो है थाना क्वारसी पर FIR दर्ज की गई। तो उस संबंध में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, अभिषेक चौहान, रणधीर यादव और तेज प्रताप सिंह। इसमें 2 व्यक्ति हाथरस और 1 हमीरपुर का रहने वाला है। और ये जो है मतलब वेबसाइट्स चलाते थे, shine.com, monsterindia.com वगैरह इस तरह की वेबसाइट्स बनाकर वो चलाते थे। और उसी के आधार पर जो रेज्यूमेज आते थे उनसे जो है ये कॉल करके उनके अकाउंट की डिटेल्स मांगना, उनसे जो है अलग अलग नाम पे अकाउंट लिंक करना, प्रोसेसिंग फीस वगैरह नाम पे पैसे मांगना, ये काम करते थे। सर बरामदगी क्या है इनसे? इनसे 5 मोबाइल फ़ोन्स, 8 सिम कार्ड्स, 6 CPU और डेस्कटॉप, 6 ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, आधार कार्ड वगैरह अन्य चीज़ें बरामद। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अब तक कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं नौकरी के नाम पर? ये जो है अभी इनकी डिटेल्स निकाली जा रही है, जो भी मतलब ये जैसे अकाउंट भी ये जो है फर्जी खुलवाते थे, जैसे उसमें IDs यूज़ करना। जैसे अभिषेक नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसने जो है किसी और की आधार कार्ड पर अपना फोटो लगा के फर्जी आईडी बनाई और उससे अकाउंट खुलवाया। सर ये लोग मोटी रकम वसूलने के बाद अपनी लोकेशन भी चेंज किया करते थे क्या? ये सभी डिटेल्स अभी जो है मतलब विवेचना में सामने आएंगी, जो बैंक अकाउंट से उनकी डिटेल्स हम निकाल रहे हैं ताकि किन लोगों के साथ ऑफिस इनका सर नोएडा से संचालित होता है। ये प्राइम सॉल्यूशन सेक्टर नोएडा में जो है संचालित है।